करेंगे टेस्ट राइड न्यू स्कोडा फाबिया की, जानेंगे क्या है इसमें खास, बताएंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी स्कोडा येती की खासियत, फॉर्मूला वन रेसर करुण चंडू खोलेंगे रफ्तार के राज और टूटू देंगे आपको टिप्स। हेलो फ्रेंड्स, चल मेरी गाड़ी के दर्शकों को रोशन का सलाम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपको एक नए और खूबसूरत सफर में ले जाने के लिए। इस खूबसूरत सफर में खूबसूरत सी गाड़ी के साथ चलेंगे, एक ऐसी हैचबैक गाड़ी जिसको पसंद काफी किया गया, लेकिन बदलते वक्त में आपकी पसंद बदलती है और इसलिए इसमें भी कुछ बदलाव किए गए। स्कोडा फाबिया आज हमारे साथ है एक नए रूप रंग के साथ, क्या बदलाव है ये जानेंगे इस खूबसूरत गाड़ी में। हम आपको नई स्कोडा फाबिया के सफर में ले जाने वाले, लेकिन पुरानी स्कोडा फाबिया के बारे में कुछ जानना जरूरी है। साल 2000 में से वर्ल्ड वाइड पेश किया गया, काफी पसंद किया गया इस हैचबैक गाड़ी को। 2005 में किए गए कुछ बदलाव और साल 2010 चल रहा है, नई जनरेशन का साल है, यंगस्टर्स का साल है, तो उन्हें कुछ ऐसे चेंजेस पसंद हैं जो मार्केट में और गाड़ियां हैचबैक हैं उससे कॉम्पीट कर सके। कुछ बदलाव ऐसे किए गए, लेकिन अगर सबसे पहले इस गाड़ी की ओवरऑल लुक, डिजाइन और स्टाइल की बात करें तो वो आपको काफी कुछ पुरानी फाबिया से मिलता जुलता नजर आएगा। बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और यही वजह है कि मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव है तो वो अप मार्केट होंगे, लेकिन जो बदलाव है वो आपको पसंद आ सकते हैं। स्कोडा फाबिया में सबसे पहले अगर मैं इसकी हेडलैम्प की बात करूँ, जो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है, स्टाइलिश है और थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है पुरानी फाबिया से। ये वजह इसलिए भी है क्योंकि हेडलैम्प एक ऐसी चीज़ है जो गाड़ी की खूबसूरती में कई गुना इजाफा करती है। इसके अलावा जो ग्रिल है स्कोडा की, ये आप देख सकते हैं फाबिया की एक ट्रेंडमार्क है, एक सिग्नेचर है स्कोडा की गाड़ियों में इस तरह की ग्रिल होना, और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव करती है लुक को। एक और जो इन्हेंस करता है इसके फ्रंट लुक की ब्यूटी को, वो है इस गाड़ी के फॉग लैम्प। आमतौर पर आपको छोटे फॉग लैम्प यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन ये फॉग लैम्प थोड़े से ब्रॉड हैं, काफ़ी वाइड रखे गए और दूर से आकर अगर आप देखेंगे गाड़ी की खूबसूरती में थोड़ा इजाफा करते मुझे नज़र आते हैं। ये एक प्लस फैक्टर है इसके फ्रंट लुक को लेकर। 5-spoke अलॉय व्हील आपको नज़र आएंगे, वही चीज़ें मुझे साइड से नज़र आ रही हैं जो पुरानी फाबिया में थी। फैबुलस कह सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं किया गया है, इसलिए ओवरऑल काफ़ी कुछ सेम। फ्रंट लुक में थोड़े से बदलाव किए गए थे, टेल लैंप को लेकर रियर लुक में आपको थोड़ा बदलाव नज़र आएगा, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मुझे नज़र आ रही है, इसको थोड़ा स्टाइलिश किया जा सकता था। डिमांड है हैचबैक गाड़ियों में, थोड़ी स्टाइलिश गाड़ी आप चाहते हैं, यहाँ निराश हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। स्कोडा फाबिया का रियर लुक मुझे ओवरऑल फ्रंट लुक और रियर लुक में कोई खास चेंजेस नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो भी बदलाव हैं वो आपको पसंद आएंगे क्योंकि थोड़ा सा स्टाइलिश जरूर करते हैं गाड़ी को, लेकिन डिमांड ज़्यादा की है। और आप जब ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव वर्क के साथ किए गए हैं तो शायद आपको पसंद आने चाहिए थे। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी की इंजन क्वालिटी की और ये देखेंगे ताकत में क्या बदलाव किया गया है। फाबिया की इंजन क्वालिटी थोड़ी बेहतर है, 1200cc का इंजन आपको मिलेगा, 3 सिलेंडर SOHC इंजन इसमें दिया गया। 7 वेरिएंट पेश किए गए, 7 वेरिएंट जो आपको पसंद आ सकते हैं आप चुन सकते हैं, वेरिएंट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले वेरिएंट की बात करूँ मैं तो आपको मिलेगा 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें, 105 bhp की मैक्सिमम पावर। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को भी आप चुन सकते हैं, 75 bhp की मैक्सिमम पावर इसमें आपको मिलेगी। और 1.2 लीटर डीजल इंजन को भी आप चुन सकते हैं जिसमें भी आपको 75 bhp की मैक्सिमम पावर मिलेगी, यानी 3 डीजल और 4 पेट्रोल, ये 7 वेरिएंट आपके सामने, इनको आप चुन सकते हैं। अलग अलग इंजन क्वालिटी के हिसाब से इसकी पावर अलग मिलेगी, लेकिन इंजन क्वालिटी मजबूत है, ये आंकड़ों में है जो आपके सामने मैंने रखे हैं। लेकिन चलना होगा एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पर, की निकालने का वक्त आ गया, फोल्डेड की इसमें दी गई है, खूबसूरती इसमें है, खूबसूरती सफर में कितनी होगी और इंटीरियर्स में कितनी होगी ये जानने के लिए चलिए एक छोटे से सफर पर। हम निकल चुके हैं न्यू फाबिया की टेस्ट ड्राइव पर, ये है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दैट गिव्स मैक्सिमम पावर ऑफ 75। इंजन क्वालिटी के मुताबिक मुझे लगता है जो इसकी आवाज़ इंजन की वो आपको बहुत साफ सुनाई देगी, थोड़ी सी लाउड है, ये कम होनी चाहिए थी। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट गियर आपको पिकअप बेहतर नज़र आएगा, सेकेंड गियर में थोड़ी सी स्मूथनेस है, गाड़ी बिल्कुल झटका देती नहीं है, बहुत ही स्मूथ चलती है, स्मूथ ड्राइव है। स्कोडा के गाड़ियों में मुझे एक खासियत नज़र आती है, पुरानी फाबिया से मैं थोड़ा सा कंपेयर इसको करूँगा तो बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन वो गाड़ी भी बेहतर थी और ये बेहतरी जो मुझे है दैट प्रॉमिसिंग क्वालिटी है मुझे इसमें भी नज़र आती है। गियर शिफ्टिंग बहुत आसान है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, 5 गियर इसमें दिए गए हैं जो मैन्युअली शिफ्ट करने होंगे आपको, लेकिन जो क्रोम फिनिशिंग दी गई है गियर के चारों ओर
वो इसकी ब्यूटी को एनहेंस करती है। स्टेयरिंग व्हील को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और ड्राइविंग सीट में कंफर्ट पूरा होगा। लेग रूम हेड रूम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टेबल हो सकता है 6 फीट का बंदा भी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा कंफर्ट मुझे ज़्यादा नज़र आता है पुरानी फाबिया के मुकाबले, ये एक प्लस पॉइंट है और इसमें मुझे लगता है कि अगर कंफर्ट दिया जा रहा है तो वो आपको भी पसंद आएगा। स्पेस को लेकर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें गाड़ियों में कि 5 लोग हैं कैसे सफ़र तय करेंगे, वो दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। 5 लोग बहुत आसानी से सफ़र इसमें कर सकते हैं। लगेज आपको अपने साथ रखना है, रियर सीट को फोल्ड करिए, उसमें लगेज भी आप रख सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बेहतर नज़र आता है, ड्यूअल टोन का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया और केबिन की ब्यूटी बहुत अच्छी है, आपको बहुत कम्फर्टेबल एहसास होगा। सूदिंग कलर दिए गए वो भी काफ़ी खूबसूरत है, तो इस मामले में बेहतर मुझे नज़र आती है पुरानी फाबिया के मुकाबले ये नई फाबिया। आजकल मार्केट में बहुत सी गाड़ियां हैं, आपके पास ढेरों ऑप्शन है और इसलिए कंपनियां कुछ ज़्यादा परेशान रहती हैं कि क्या कुछ नया दिया जाए जिससे आपको पसंद आ सके। अब इस गाड़ी के मुकाबले की बात की जाए तो इसका मुकाबला फीगो से होगा, A20 से होगा, युवा से होगा, एवियो से होगा और ये सारी गाड़ियाँ काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो इसमें बदलाव किए गए हैं वो थोड़े से और अच्छे किए जा सकते थे। न्यू फाबिया की बात कर रहे हैं, इंटीरियर से मुझे काफ़ी कुछ सूदिंग एहसास होता है, कम्फर्टेबल है, केबिन बहुत अच्छा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जो डिस्प्ले है इसका मीटर कंसोल में वो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एसी माउंटेड है लेकिन कूलिंग ज़बरदस्त है। इसका म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा है, साथ ही लॉकिंग इसमें सिस्टम दिया गया जिससे आप अपने म्यूजिक सिस्टम को लॉक कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत क्लियर है, जो चीज़ें दी गई हैं बहुत ईजी टू ऑपरेट है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। इस मामले में मुझे लगता है कि फाबिया में काफ़ी कुछ अच्छा बदलाव किया गया है। अभी तक इस न्यू फाबिया को मैंने चलाया बहुत कम स्पीड में और ये जानने की कोशिश की कि अगर आप शहरी इलाकों में हैं यानी कि ट्रैफिक में ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो आपको दिक्कत होगी या नहीं, लेकिन तेज़ स्पीड में चलाते हैं और हाईवे में इसका क्या मज़ा मिल सकता है, या इसके इंजन की पावर तेज़ स्पीड में कैसी निकल कर आती है, उसके लिए थोड़ी सी तेज़ रफ्तार हो जाए। चलिए, तेज़ रफ्तार में भी गाड़ी का मज़ा उतना ही अच्छा है। न्यू फाबिया मुझे लगता है आपको पसंद आएगी, लेकिन थोड़े से बदलाव और किए जा सकते थे इसमें जो नहीं किए गए हैं। फिलहाल अगर तेज़ रफ्तार में आप चलाते हैं तो सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें, अपील करेंगे सीट बेल्ट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। इसके अलावा जो इसमें दिया गया सेफ्टी के लिए ड्यूएल SRS बैग दिए गए हैं, ABS सिस्टम दिया गया है जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी गाड़ी आप पसंद करें तो ये ज़रूर देखें कि सेफ्टी का कितना ख्याल रखा गया है। जहाँ तक इस गाड़ी की ओवरऑल लुक से लेकर जो इंटीरियर्स में बदलाव किए गए हैं, जो इंजन क्वालिटी है, जो ड्राइविंग क्वालिटी है, जो सेफ्टी है, उस सारे पैरामीटर्स में मैं इस गाड़ी को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार और इस उम्मीद के साथ कि गाड़ी आपको भी पसंद आएगी। न्यू स्कोडा फाबिया को ड्राइव करना एक अच्छा एक्सपीरियंस था और आपको भी सफर पसंद आया होगा। अगर आपकी भी कार या बाइक से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए CMG स्पेस देकर अपना नाम, सवाल और भेज दें 5499945 पर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं meri.gaadi@cnb.in पर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चल मेरी गाड़ी का ये सफर जारी है।